हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 लिस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ तो इनफैक्ट हमने पहले ही लिया है, हम तो उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया थ्योरी बेसिस पे कि हमारे चैप्टर में है क्या क्या, किस तरह से उसमें हमने देखा कि लिस्ट को हम बनाते हैं, क्या हमारी लिस्ट म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, वो सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाई। जो हमारे प्रोग्राम्स थे, जो हमारी लिस्ट के अंदर थे, हमारे जो चैप्टर के अंदर थे, वो हमने एग्जीक्यूट करके नहीं देखे थे, पर मैंने आपको समझा सारे दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से क्या करते हैं, पाइथन आइडियली को हम ओपन कर लेते हैं। तो एक मिनट बस हमने पाइथन आइडियली ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद, मतलब आइडियली को ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल भी हम ले लेंगे। तो इन दोनों को हम फटाफट से स्प्लिट कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, ये स्क्रिप्ट मोड है, ये तो आपको अच्छे से पता चली गया है। फटाफट से एक मिनट बस, अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले अपना कमेंटिंग करते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले लिस्ट के बारे में। तो अपने लिस्ट चैप्टर का नेम हम यहाँ पे डाल लेते हैं। हमें लिस्ट के बारे में पढ़ना है कि लिस्ट क्या है, किस तरह से हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें काम चलता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अपने इंटरेक्टिव मोड में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक लिस्ट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट को क्रिएट किस तरह से करते हैं और लिस्ट दिखती किस तरह की है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और फिर अपनी जो उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हमें डालने हैं, किस तरह का डेटा टाइप उसके अंदर हम एंटर करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट मैंने लिस्ट नाम से ही बना ली, आप उसी नाम से बना सकते हो। जो हमारी, अब देखो पुराना अगर रिकैप कराऊं, जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के, अरे सॉरी मेरा सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने क्या करा, एक चलो स्ट्रिंग पहले एक बार बता देती हूँ। जैसे मैंने अपनी एक स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर मैं कुछ भी सेव करा सकती हूँ और इसको क्लोज कर सकती हूँ, पर स्ट्रिंग ऐसे ही नहीं बना सकता, हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कोटेशन भी देनी पड़ेगी। अब मैंने कोटेशन दे दिया तो ये क्या बन गया, हमारी एक स्ट्रिंग बनकर तैयार हो गई। अब मैं अगर क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रिंट कराओ अपने किसको, जो हमारी स्ट्रिंग का नाम है उसको, तो मैंने अपनी प्रिंट करा ली अपनी स्ट्रिंग और वो देखो प्रिंट होकर आ गई। पर इसी तरह जब मैं क्या करती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब मैंने मान लो एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट किसके अंदर होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। क्या हुई लिस्ट, यहाँ पे मैंने उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल दिए। अब अगर मैं चाहूँ कि क्या हो, ये प्रिंट होकर आ जाए, तो मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी किसको, अपने लिस्ट को, जो भी आपकी लिस्ट का नाम है वो आप एंटर कराएंगे और प्रिंट करा देंगे। देखो आपकी लिस्ट यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट होकर आ गई। तो आप समझ में आया होगा, अगर मैं सेम चीज यहाँ पे लिखूं और इस बार क्या करूं, यहाँ पे मान लो कि मैं एक लिस्ट और इसके अंदर एंटर करा रही हूँ। मान लो इस बार मैंने लिस्ट में क्या ले लिया, मान लो लिस्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करा ली जो इस तरह से कुछ भी है, और मैंने क्या कर दिया, अपनी लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो देखो मैंने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ये क्या है, हमारी नेस्टेड लिस्ट है। ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है एंड होता है, तो ये एक लिस्ट है। लेकिन मैंने देखो दोबारा से देखो, इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम डाल सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं सेम चीज यहां पे लिख दूं प्रिंट लिस्ट, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। अब देखो हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर हमें देखने को मिली। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि लिस्ट किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप एंटर करा सकते हो, कोई इंटीजर वैल्यू, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट वैल्यू, कोई अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, इवन लिस्ट को भी लिस्ट के अंदर एंटर करा सकते हो। तो आप समझ में आएगा कि लिस्ट को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना समझ में आ गया, प्रिंट करना हमें समझ में आ गया। तो ये तो हमें इतना सा जो छोटा सा और बेसिक सा पार्ट था वो हमने समझ लिया। अब लिस्ट क्रिएट हो गई है, पर अब मान लो जैसे इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करें, तो इंडेक्सिंग हमारी जो लिस्ट की होती है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कमेंट यहाँ पे डाल देती हूँ कि अगर मुझे इंडेक्सिंग करनी है या मुझे अपनी लिस्ट के किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो अभी मैं इंडेक्सिंग लिख रही हूँ, है ना। तो अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू करूंगी। तो मान लो ये मेरी लिस्ट है, अब मुझे उसकी इंडेक्सिंग अगर मेरी होगी, जीरो से शुरू होते हैं इंडेक्सिंग, तो जीरो से शुरू हो गया और फिर जो भी कैरेक्टर है वो मुझे देखने को मिलेगा। मान लो मेरी लिस्ट का नाम है लिस्ट वन, सॉरी मेरी लिस्ट का नाम है लिस्ट। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका कोई कैरेक्टर मिल जाए, मान लो लिस्ट का मैं फोर्थ कैरेक्टर चाहती हूँ कि वो प्रिंट होकर आ जाए, तो मैं इसे एंटर कराऊंगी। तो देखो लिस्ट अगर मैं यहाँ पे देखो तो 0, 1, 2, 3, 4, तो हमारी लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स पे हमारा कौन सा कैरेक्टर था, ये वाला, ये नेस्टेड लिस्ट जो थी वो यहाँ पे थी, तो हमें प्रिंट होकर मिली। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं 4 ना लेकर के मैं 2 ले लूँ, और एक मिनट, और मैं इसे क्लोज करूँ और प्रिंट कराऊँ, तो देखो 2 पे क्या है, 0, 1, 2, 3.4 हमारा सेकंड इंडेक्स पर है, तो ये आया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मान लो मैं 0 यहाँ पे एंटर कराऊँ और रिटर्न करूँ, तो हमारे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो देखो 0 इंडेक्स में हमारी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट थी, 1। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपका कैरेक्टर लिस्ट के अंदर है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो
आई एम सॉरी गाइस, बीच में माइक जो है वो काम करना बंद कर दिया था, मैंने ये सब लिख भी दिया और आपको पता भी नहीं चली। पर चलो ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ मैंने ये सब क्या लिखा है। मैंने देखो जो लिस्ट जीरो इंडेक्स वैल्यू थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई, पर फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट वैल्यूज यहाँ पे मैंने यहाँ पे जनरेट करी थी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 10, यानी कि अब मैं क्या चाहती हूँ, लिस्ट में जो 10th इंडेक्स पर जो भी चीज प्रेजेंट होगी उसको मैं रिटर्न कराना चाहती हूँ। तो जब मैंने 10 डाला तो देखो मुझे इंडेक्स एरर देखने को मिली कि जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने लेंथ ऑफ इंडेक्स को चेक किया तो लेंथ ऑफ इंडेक्स कितने देखने को, सॉरी लेंथ ऑफ इंडेक्स नहीं, जो मैंने लिस्ट के लेंथ को कैलकुलेट किया, जैसे मैंने मेरी ये वाली लिस्ट है, अब इस लिस्ट को मैंने देखा कि इसकी लेंथ क्या है, एक्चुअल इसकी लेंथ क्या है, तो मेरे को पता चली कि इसकी लेंथ है 1। लेंथ हमारी 1 से काउंट होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारी लेंथ कितनी आई लिस्ट की, 5 आई। और मैंने इंडेक्स वैल्यू कितनी डाली थी, 10 डाली थी, कि मैं चाहती हूँ 10th इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो मुझे मिले। तो 10th पर तो है ही नहीं ना कुछ भी, क्योंकि इंडेक्स जो है वो वहां पे आउट ऑफ रेंज हो गया, कि इतना तो बड़ा मेरी लिस्ट है ही नहीं, तो वहां से मैं कैरेक्टर नहीं मिल सकते, इसलिए वहां पे क्या है, इंडेक्स एरर देखने को मिला। तो आप समझ में आया होगा कि लिस्ट को हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक और लिस्ट बनाती हूँ एल नाम से, एल इक्वल्स टू, मैं इसमें एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने क्या करी, सबसे पहले एक स्ट्रिंग को मैंने पास किया, स्ट्रिंग मैंने कुछ भी दे दी, उसके बाद मान लो मैंने नंबर्स पास करे 12, फिर उसके बाद मान लो मैंने एक फ्लोट नंबर वैल्यू दे दिया 3.45, उसके बाद मैंने मान लो दूसरा अपना एक कैरेक्टर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास करी, एक इंटीजर वैल्यू दी, एक हमने फ्लोट वैल्यू दी। मान लो इस बार मैं क्या करती हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पास करी, तो मान लो -4 मैंने यहाँ पे पास किया। उसके बाद मैं एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर लेती हूँ AF4। मान लो ये मैंने क्या कर दिया, अब जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, तो इसलिए कोटेशन भी देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने अपनी लिस्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब ये जो मेरी लिस्ट है, अब अगर मुझे इसके एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगी जो कि एल, और उसके बाद मेरे को जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है उसकी मैं इंडेक्स वैल्यू पास कर दूंगी। मान लो 3 मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस करना है, तो प्रिंट करूंगी तो -4 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी लिस्ट अपनी बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज आप सेव करा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पर देखो अगर मैं वापस अपनी बात करूं पहली वाली स्ट्रिंग की, तो मैंने क्या किया, इसमें एक नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मैंने क्या करी, इसमें प्रेजेंट करी। अब ये जो मेरी लिस्ट है, अब देखोगे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट करूं, एक मिनट बस, प्रिंट लिस्ट, ये मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट होकर आ गई। अब मान लो मैं अपनी लिस्ट में से क्या एक्सेस कर रही हूँ, मान लो मैं एक्सेस कर रही हूँ 4th अपना जो इंडेक्स वैल्यू है, 4th वाली इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस कर रही हूँ। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, उसमें से मेरे को ये वाली लिस्ट जो है वो, जो हमारी नेस्टेड लिस्ट है वो मेरे को एक्सेस होकर मिलेगी। अब मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो ये मेरे को मिल गई। पर अब मान लो कि मैं चाहती हूँ जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है इसमें से मैं इंडेक्स वैल्यू चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे इसके 4th वैल्यू के ही इसको एक्सेस करना चाहती हूँ, रिटर्न करूंगी। तो देखो यहाँ पे क्या गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर ध्यान से देखो, अगर तो अभी तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, बस एक बार और दिखाते, जैसे मान लो आपके बार मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता, और फिर या एक काम करते हैं, 0 लिखने से पहले इसे ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कुछ और करते हैं ताकि आप समझ सको। मान लो जैसे मेरी ये लिस्ट थी, अब मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ और भी ऐड कराना चाहती हूँ, तो जैसे ये लिस्ट मैंने बनाई, अच्छा चलो मैं एग्जांपल बदल लेती हूँ, मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगी, आपको बस एक मिनट इंतजार करना है। मान लो मैंने LIST1 नाम से एक लिस्ट बनाई, बस एक मिनट आप मेरे को दे दो, मैं फटाफट से एक लिस्ट बना लेती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या करी, अपने एक लिस्ट बना ली जिसका नाम है List1, और उसके अंदर मैंने क्या करी, अलग अलग जो मेरे वेरिएबल्स थे उनको मैंने सेव किया। लिस्ट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट भी बनाई है। अब देखो अगर मुझे इस लिस्ट के क्या करना है, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, List1 जो है मेरी, इसके कौन से इंडेक्स वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, मान लो मैं 4th को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं प्रिंट कराऊंगी, तो देखो मुझे नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे देखने को मिली। अब ये जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है, अब इसके अंदर भी तो हमारे देखो ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से हमारा क्या चल रहा है, इंडेक्शन चल रही है। तो अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरी नेस्टेड लिस्ट है, जैसे वो 4th इंडेक्स पे आई मैंने उसे एक्सेस किया, तो लिस्ट 4 में से अब मान लो मैं किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहती हूँ, मान लो मैं 3rd इंडेक्स पे जो भी हमारा प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो देखो 3rd में क्या प्रेजेंट है मेरा, ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है जो 0, 1, 2, 3, 4 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अब 4th इंडेक्स में जो 3rd इंडेक्स पर प्रेजेंट है, यानी कि 4th पे क्या प्रेजेंट था हमारी ये वाली नेस्टेड लिस्ट, अब इसके अंदर 3rd इंडेक्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 90.8 हमारा क्या हो गया, 3rd इंडेक्स हो गया जो मुझे नेस्टेड लिस्ट में से मिला। तो आप लिस्ट के अंदर जो लिस्ट प्रेजेंट है उसके भी एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते,
सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो उसको एक्सेस करने का ये तरीका है। मान लो इस बार मुझे थर्ड नहीं, इस बार मुझे फिफ्थ कैरेक्टर चाहिए और मैंने क्या किया, रिटर्न किया, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब तो देखो मुझे देखने को मिला $ डॉलर का साइन और ए, ये मैंने एक्सेस किया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे 5 हटा करके, एक मिनट बस, मान लो मैंने यहाँ से 5 हटा दिया, 7 यहाँ पे मैंने इधर रिटर्न किया, तो देखो जैसा मैंने कहा लिस्ट वन में से फोर्थ इंडेक्स वैल्यू तो है हमारे पास, पर फोर्थ इंडेक्स में हमारे पास कोई सेवन्थ इंडेक्स नहीं है, तो इसलिए क्या गया, लिस्ट इंडेक्स हमारा आउट ऑफ रेंज हमें देखने को मिला। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरह से ये चीजें जो है वो काम कर रही है। आपको लिस्ट क्रिएट करनी आ गई, लिस्ट के एलिमेंट्स को आप एक्सेस किस तरह से करोगे, इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, ये आप समझ चुके हो। अब ये लिस्ट हो गया, उसकी इंडेक्सिंग हो गई, उसको एक्सेस करना हमने सीख लिया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप इतना तो समझ लिया, पर इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पर चले, उससे पहले मैं आपको 2-4 और लिस्ट के तरीके दिखा देती हूं। जैसे मैंने लिखा लिस्ट, अब मुझे इसका कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है, मान लो मैंने लिखा 3 और फिर मैंने यहां पे किसका यूज किया, प्लस, मैंने किया 2, और अब मैं इस एलिमेंट को 2 छोड़ो, मैंने यहाँ पे किया 1। अब मैं इस वाले 3+1 क्या होता है, 4 होता है, और हम सबको पता है, पर मैं चेक करना चाहती हूँ कि अगर मैं इस तरह से लिखूं तो क्या जो हमारी लिस्ट है वो फोर्थ इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करेगा हमारे लिए। तो मैंने क्या किया, रिटर्न किया, तो देखो जो हमारी लिस्ट 1 थी उसमें से फोर्थ कैरेक्टर क्या है, फोर्थ इंडेक्स पर कौन प्रेजेंट है, हमारी नेस्टेड लिस्ट, ये उसने हमारे लिए क्या करके दिया, एक्सेस करके दिया। तो अच्छा सॉरी, ये लिस्ट में से है, लिस्ट 1 में से नहीं, तो लिस्ट हमारी कहाँ पे है, ये रही, तो लिस्ट में से इसने हमें क्या किया, फोर्थ कैरेक्टर हमें, फोर्थ इंडेक्स जो थी हमारी उसको इसने हमें एक्सेस करके दिया। तो आप समझ में आएगा, यानी कि अगर आपको लिस्ट को इस तरह से लिखना है कि 3+1, 2+1, और अगर देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3+1 लिखने की जगह 3-2 लिख दूँ और फिर एक्सेस करवाऊँ, तो देखो 3-2 क्या होता है, 1, तो लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, 1, यानी कि ए, तो ए इसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेस करके दिया। तो आप समझ में आया किस तरह से यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो किस तरह से इंडेक्सिंग की हेल्प से हमें एक्सेस करके देती है। तो आप समझ में आया, अब देखो इंडेक्सिंग हमारी 2 तरीके से होती है, आप सभी को पता है, एक होती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आगे से चलती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से चलती है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने स्ट्रिंग में आपको बताया था, आप अच्छे से इसके बारे में आपको इतना ज्ञान है कि ये किस तरह से काम कर रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक मिनट बस, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 में से मैं एक्सेस कराना चाहती हूँ किसको, मान लो -1 को एक्सेस कराना चाहती हूँ, लिस्ट 1 को मैंने क्लोज किया, एंटर किया, तो देखो लिस्ट 1 है हमारी ये वाली, इसका -1 कैरेक्टर क्या होगा, ये वाले नेस्टेड लिस्ट, यानी कि -1, -2, -3, -4 और -5, तो इस तरह से हमारी लिस्ट 1 जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो काम करती है। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो अपने एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो आई होप ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के म्यूटेबल है वो या इम्यूटेबल है, इसकी ये चीज हमें चेक करने की वो क्या होती है। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार चैप्टर पढ़ लो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। पर यहाँ पे तो हमने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देख ही रहे हैं। अच्छा सॉरी, मेरे को ये एग्जीक्यूट नहीं करना था, ठीक है चलो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि मैंने एक लिस्ट बनाई, चलो मैं एक कैपिटल एल नाम से लिस्ट बनाती हूँ, एल इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने लिस्ट को क्रिएट कर लिया। अब लिस्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कॉमा कैसे आ गया, एक मिनट, अच्छा ठीक है, शायद मैंने टाइप कर दिया होगा, अब ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी। अब जैसे मेरे पास जो लिस्ट है, अब मुझे पता है कि देखो इसके 0 इंडेक्स पे क्या है, हेलो दिस इज अ लिस्ट लिखा हुआ है, फिर 0, 1, 2, मान लो मैं किसी लिस्ट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक्सेस कर लेती हूँ। पाइथन केस सेंसिटिव है तो प्लीज ध्यान रखना कि आप सारी चीजें सही सही डालूं। अब मान लो मैंने इसका थर्ड एलिमेंट क्या किया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो वो क्या है फिलहाल 98.6 है। पर अगर मान लो मैं क्या करूँ, लिस्ट हमारी क्या है, इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। खैर कमेंट सेक्शन में क्या ही बताओगे, मैं खुद ही आपको बता दूंगी। जैसे मैंने लिखा लिस्ट 3, यानी कि सॉरी L3, इंडेक्स वाली मैंने 3 डाली है, फिर इक्वल्स टू मैंने क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45.8 कर दिया मैंने। अब मैं रिटर्न करूंगी और क्या करूंगी, अपनी प्रिंट करा लूंगी लिस्ट को। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि अभी प्रिंट हो जाए लिस्ट, एक मिनट, प्रिंट करा लिया मैंने अपने लिस्ट को। अब जब प्रिंट होकर आया तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इसका थर्ड इंडेक्स, देखो पहले थर्ड इंडेक्स पे क्या था, इसलिए मैंने आपको थर्ड इंडेक्स दिखाया पहले, वो था -98.6। अब मैंने क्या किया, लिस्ट के थर्ड इंडेक्स को चेंज कर दिया 45.8 से और मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया, तो 0, 1, 2, 3, ध्यान से देखो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले क्या थी, पहले थी हमारी -98.6 और अब क्या आई है, अब आई है हमारी 45.8, यानी कि लिस्ट आर
म्यूटेबल लिस्ट क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है। तो जो इसकी अच्छी सी जो प्रॉपर्टी हमें पता चली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल रही है, वो फटाफट से मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके दिखा देती हूँ कि लिस्ट क्या होती है हमारी। देखो मैंने लिख लिया कि लिस्ट क्या होते हैं हमारे, लिस्ट होते हैं म्यूटेबल, यानी कि उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करी जा सकती है। अगर मैंने एक लिस्ट एक बार बना दी और मैं उसमें से किसी इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, सो यस इट इज पॉसिबल कि आप उसे दोबारा से चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग होती है और जो टपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर वो एक बार क्रिएट हो गए तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकते। अगर स्ट्रिंग में आपने थर्ड इंडेक्स पर 2 लिख दिया, उसके बाद आप चाहते कि हमें 4 आ जाए, सो That's impossible, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। अब आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि आप उसकी वैल्यू चेंज कर पाओ। पर लिस्ट में क्या है, आपने एक लिस्ट बनाई, अब आप उसके किसी भी इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो दोबारा से, तो वो आप वहां पे कर सकते हो। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिस्ट के ऑपरेशन है उनको क्या करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे चलते हैं और क्या करते हैं, कमेंट डालते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट के ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया कि हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस को यूज करने वाले हैं। रिटर्न करता है तो देखो लिस्ट के हमें पता है कि 4 ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग में था बिल्कुल वैसा ही लिस्ट में भी है। तो वो तो 4 ऑपरेशन है, फटाफट से मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट के 4 ऑपरेशन लिख दिए, कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। तो यहाँ पे एक एक करके क्या करता है, इन सबका यूज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे। तो हम मैंने जो अपने ऊपर 2 लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाई थी एक, लिस्ट 1 बनाई थी, इन दोनों को मान लो मैं क्या करना चाहती हूँ, कॉन्केटिनेट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट करा लूंगी, एक मिनट बस, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लो अपने प्रिंट करा लेती हूँ किसको, जो हमारी लिस्ट 1 है उसको, ताकि आपको दोनों विजिबल हो। एक तो मैंने सबसे पहले लिस्ट 1 को प्रिंट करा लिया, उसके बाद मैं क्या करना चाहूंगी, यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूंगी, एक मिनट, प्रिंट कराना चाहूंगी अपनी सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसको। ये दोनों मैंने क्या करा ली, प्रिंट करा के यहाँ पे देखो आपके आमने सामने मैंने रख दिया कि लिस्ट 1 ये रही और लिस्ट ये रही। अब मैं इन दोनों को क्या करना चाहूंगी, कॉन्केटिनेट एक बार करना चाहूंगी। तो कॉन्केटिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करते हैं कि मैं इन दोनों को करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लिस्ट 1, और मैं किसको ऐड करना चाहूंगी, लिस्ट को। तो मैं लिस्ट 1 प्लस लिस्ट यहाँ पे लिख दूंगी, चाहती हूँ। मैंने एंटर किया तो ध्यान से देखो, जो मेरी लिस्ट थी वो थी ये 1A 3.4A 2 और फिर मेरी नेस्टेड लिस्ट। तो देखो वो यहाँ पे प्रिंट होकर आई यहाँ तक, और उसके बाद जो मेरी लिस्ट 1 थी ABCD से लेकर ये ASE तक वाली, ये भी पूरी यहाँ पे ऐड होकर आ गई। तो ये होता है कॉन्केटिनेशन, यानी कि जब आप क्या करते हो, एक मिनट मुझे ये नहीं चाहिए था, इसे डिलीट करते हैं, ये रिटर्न हो गया यहाँ पे, सॉरी मुझे ये पूरी लाइन भी नहीं चाहिए थी, एक मिनट बस, ठीक है। तो देखो ये क्या है यहाँ पे कि मेरे को अगर किसी 2 लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना है, मैं दोबारा से रिपीट करके बार बार लिखना नहीं चाहती, मैं चाहती कि वो दोनों ऐड होकर आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन का यूज कर सकते हैं। मान लो L प्लस जो हमारा कैपिटल L था, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वो दोनों लिस्ट में मेरी यहाँ पे क्या होगा, ऐड होकर हमें देखने को मिली। तो ये होता है कॉन्केटिनेशन। तो देखो कॉन्केटिनेशन तो आसान है, वैसे तो 4 ही ऑपरेशन आपके आसान है, पर ये मैंने कॉन्केटिनेशन आपको अच्छे से समझा दिया। तो आप समझ में आया किस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्केटिनेट कर सकते हो चीज़ों को, किस तरह से आप क्या कर सकते हो, 2 लिस्ट जो है उनको ऐड कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, एक STR1 नाम से एक स्ट्रिंग बनाई। अब जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से आपने उसको स्ट्रिंग में कुछ भी इस तरह से आपने लिख लिया, अब रिटर्न किया। अब मान लो आप क्या चाहते हो कि आपकी जो L लिस्ट थी उसमें आप ऐड कराना चाहते हो किसको, STR1 को। अब आप रिटर्न करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टाइप एरर देखने को मिलेगा, यानी कि आप लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को ही कॉन्केटिनेट करा सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आप एक स्ट्रिंग को ही कॉन्केटिनेट करा सकते हो, आप एक लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते, वो आपको एक एरर जनरेट करके देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड कराओगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड कराओगे, और तभी वो कॉन्केटिनेट होकर आपको एक सही इनपुट आपको देंगी, अदरवाइज एक एरर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आई आप समझ में आई होगी, आइए छोटी सी बात थी तो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है बता दूं, कहीं आप कोई गड़बड़ ना कर दो पेपर में, इसलिए तो मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपीटेशन है उसका यूज करते हैं कि आप रिपीट किस तरह से कर सकते हो चीज़ों को। मान लो मैंने लिस्ट 1 जो थी मेरी, या लिस्ट ले लो या लिस्ट 1 ले लो, लिस्ट 1 थी, अब एक बार उसे प्रिंट करा लेते ताकि आपको देखने को मिल जाए कि प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले तो ये सामने से इसको हटाते हैं ब्रैकेट को, और लास्ट में क्या करते हैं, अपना ब्रैकेट लगा देते हैं। मैंने लिस्ट 1 को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, आपने देख लिया कि आपकी लिस्ट 1 इस तरह से लिखी हुई है। अब ये जो मेरी लिस्ट 1 है, अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसे रिपीट कराना चाहूँ, तो क्या कर सकती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूंगी लिस्ट 1,
रिपीट कराने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। कितनी बार रिपीट कराना है, 2 बार 10 बार 12 बार 50 बार, तो मान लो मुझे 2 बार रिपीट कराना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो देखो आपकी लिस्ट जो है वो स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हो गई, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से क्या हुई, रिपीट होकर आपको देखने को मिली। तो ये आपकी लिस्ट क्या हुई, 2 बार रिपीट होकर आई। पर मान लो अगर आप यहाँ पे आप क्या करते, 2 बार रिपीट ना कर करके अब अगर आप इसे मान लो 20 बार रिपीट करते, तो ये 20 बार रिपीट होकर आती है। एक बार शुरू होती है, फिर दोबारा, इस तरह से 20 बार यहाँ पे क्या हुई है, लिस्ट जो है वो रिपीट होकर आई है। तो रिपीट करने का आप मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हो। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने यहाँ पे देखा है रिपीटेशन हम लिस्ट में किस तरह से करते हैं। तो ये तो छोटी सी चीज थी और इंटरेस्टिंग भी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमने मेंबरशिप की, कि मेंबरशिप हमारे लिस्ट में हमें किस तरह से देखने को मिलती है। तो फटाफट से देखते हैं कि मेंबरशिप किस तरह से रहनी है। मेंबरशिप का मतलब होता है कि क्या हमारी लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है या नहीं। तो उसमें हम 2 ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, इन और नॉट इन, कि हमारे अंदर जो लिस्ट जो हमने बनाई है, हमारे अंदर इन द सेंस हमारी लिस्ट के अंदर, तो हमारी लिस्ट के अंदर क्या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं, तो वो मुझे चेक करना है। तो मान लो मैंने लिखा लिस्ट 1 के अंदर मुझे चेक करना है कि क्या कोई प्रेजेंट है तो या नहीं। तो लिस्ट 1 नहीं लिखते यहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं अपनी किसी एक लिस्ट को, एक छोटी सी लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं। मान लो मैंने जो कैपिटल एल नाम की जो लिस्ट बनाई थी उसको मैंने प्रिंट कराया, देखो उसके सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। उसके अंदर जो जो कुछ भी प्रेजेंट था वो मैंने सब यहाँ पे प्रेजेंट मतलब यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो मैंने चेक किया हेलो इन, जो हमारी लिस्ट का नाम है वो आप लिखोगे, तो हमारी लिस्ट का नाम क्या, कैपिटल एल, हेलो इन एल, ये मैंने रिटर्न किया। तो देखो मेरे को आंसर में क्या मिला, फॉल्स मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेलो में जो पास किया वो क्या है, सारे लोअर कैरेक्टर्स हैं, बल्कि जो मेरा हेलो प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर वो कैपिटल एच के साथ है। तो अब मान लो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँ और एच को यहाँ पे क्या कर दूँ, कैपिटल एच कर दूँ। अब चेक करूँ कि हेलो एन एल, तो देखो, और देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि अभी भी यहाँ पे फॉल्स लिखा है, अब की बार तो मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया। तो देखो वो क्या था, मेरे लिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेरे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है हेलो दिस इज अ लिस्ट। अगर ये मैं रिटर्न कराऊं तो मुझे ट्रू मिलेगा, बट सिर्फ अगर मैं देखूं हेलो तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिला, फॉल्स देखने को मिला। पर मान लो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 इन एल, अब मैंने रिटर्न किया, तो अब देखो यहाँ पे ट्रू देखने को मिला। फटाफट से यहाँ पे अपना क्या कर लेते हैं, नीचे आके अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, ए नाम की। फटाफट से मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, एक मिनट रुकना बस। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बना ली, ए नाम की एक लिस्ट बना ली। अब जैसे मैं अभी तक ऊपर मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 इन एल, मैंने लिखा कि क्या ये एल के अंदर है, मैंने कहा कि है, और अगर उसके अंदर देखा मैंने कि हाँ प्रेजेंट है तो ट्रू लिख कर आया। पर मान लो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 3 4 इन ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 3 4 इन ए, एक मिनट इन लिखना पड़ेगा इन ए, और रिटर्न कराऊं तो ट्रू मेरे को देखने को मिलेगा कि हाँ मैंने कहा कि वो है और देखा हमने लिस्ट के अंदर है तो वो ट्रू आ गया। पर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 87.9 नॉट इन ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 87.9 ए के अंदर नहीं है। पर जब मैंने रिटर्न किया तो मुझे देखने को मिला फॉल्स। क्यों, क्योंकि 87.9 ए लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है और मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है एक फॉल्स आंसर, हमें एक बुलिन में क्या देखने को मिला, एक फॉल्स आंसर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि लिस्ट के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है और हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या आया, फॉल्स आया। तो अब देखो हमने अपनी कॉन्केटिनेशन देख ली जिसमें हम एडिंग कर रहे थे, फिर हमने अपना रिपीटेशन देखा कि किस तरह से हमने देखो यहाँ पे पूरा रिपीट करके देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने स्लाइसिंग के बारे में देख लेते हैं कि स्लाइसिंग किस तरह से होती है। तो स्लाइसिंग यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, तो एक मिनट बस, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है अब इतना हाँ काफी है। हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, तो एक कमेंट डाल देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो स्लाइसिंग हमने यहाँ पे लिख लिया SLICING, ठीक है स्लाइसिंग हम करेंगे। तो स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग होती है कि पर्टिकुलर रेंज आप वहां से निकाल रहे हो। मान लो मैं अगर आपका प्रिंट कराऊं आपकी जो पुराने लिस्ट है, ताकि आपको बार बार ऊपर जाके देखना ना पड़े, मान लो मैं आपकी जो पुरानी लिस्ट है लिस्ट उसको मैं प्रिंट करा लूं, तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब मान लो इसकी इंडेक्स वैल्यू मैं 2 से लेकर 3 तक चाहती हूँ, या 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स वैल्यू के अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट है वो मैं यहाँ पे चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। स्लाइसिंग होती है कि आप एक पर्टिकुलर सब पार्ट आप क्या कर रहे हो, उस लिस्ट का निकाल रहे हो। ऐसा ही आप स्ट्रिंग में भी करते हो, ऐसा ही आप टपल में भी करते हो, तो हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरी लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट नाम है मेरी लिस्ट का, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसका नाम मैंने लिखा, उसके बाद मुझे स्लाइसिंग करनी है। तो मान लो मुझे 0 से लेकर
जो थ्री तक हमारी जो रेंज है वहां तक के मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, तो देखो 0, 1, 2, 3, तो ए टू तक आना चाहिए था, तो हमारी जो रेंज है वो हमेशा माइनस जो 1 है यानी कि 1 कम तक चलती है, तो 0 से लेकर 2 तक ही चला, तो 1 ए और 3.4 हमें आंसर में देखने को मिला। अब मान लो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ और 0 से लेके 90 तक लिख दूँ और रिटर्न करूँ, तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कोई भी एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने 0 से शुरुआत करी और 90 तो है नहीं, आउट ऑफ रेंज है, तो उसने क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करके हमें दे देगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, क्या होता है यहाँ पे मैंने 90 ना लिखकर और 1 से शुरू किया होता, और यहाँ पे 90 ना लिख करके मैंने लिखा होता मान लो 5। अब मैंने इसे रिटर्न किया तो ये 1 से शुरू होगा, यानी कि हमारी लिस्ट क्या है, 0, 1, 1 यानी कि ए, 1, 2, 3, 4। अब वैसे भी 5 लिखा है तो 4 तक ही प्रिंट होकर आता। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या करती, 5 ना लिख करके मैं यहाँ पे 6 लिखती, तब भी क्या होता, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आती। क्यों? क्योंकि 1 से तो शुरुआत होती ही होती और 6 आउट ऑफ रेंज है, तो इसलिए पूरा का पूरा हमें प्रिंट करके दे देता। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरह से हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। अब ये तो हुई पॉजिटिव स्लाइसिंग। अब पॉजिटिव स्लाइसिंग के साथ साथ हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है, और नेगेटिव के साथ साथ ही हम क्या करते हैं, जो हमारी लिस्ट है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे एक कैरेक्टर को स्किप करके आगे बढ़ना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट जो है मैं बना लेती हूँ, L नाम की नहीं, मान लो इस बार मैंने A नाम की एक लिस्ट बनाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि थोड़ी स्पेस दिखे। मान लो मैंने A नाम की एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट 1 प्लस कर दिया मैंने लिस्ट, लिस्ट को ही प्लस कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया। अब मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी अपने A को, तो प्रिंट करा लेंगे A को, मैंने प्रिंट कराया, देखो मेरी पूरी की पूरी ये लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। अब मान लो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी रेंज है मैं लिस्ट ए में से निकालना चाहती हूँ, तो मैं ए को दूंगी, तो ए मैंने एक मिनट एल नहीं देना, मुझे ए लिखना है, ए ए के कौन सी रेंज से, मान लो 2 से लेकर के मैं कहाँ तक चाहती हूँ, मैं 7 तक जाना चाहती हूँ। अब मैंने रिटर्न किया तो देखो 2 से शुरू हुआ सब कुछ, यानी कि 0, 1, 2, 12.9 से शुरू हुआ और फिर 3, 4, 5, 6, 7 7 से एक कम तक जाएगी तो A तक ही यहाँ पे प्रिंट होकर आया। तो इस तरह से जो हमारी स्लाइसिंग है वो काम करती है। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया होता, 2 से लेकर नहीं, अब मैं 1 से लेकर जाना चाहती हूँ और कहाँ तक जाना चाहती हूँ, मान लो मैं 9 तक जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीच में क्या हो, दो दो कैरेक्टर स्किप हो गए, यानी कि एक एक कैरेक्टर मैं आगे स्किप करना चाहती हूँ, दूसरे कैरेक्टर पर जंप करना चाहती हूँ। अब मैं ये करूँगी, इसे रिटर्न करूँगी, तो ध्यान से देखना 0, 1, 1 से यानी कि 23 से शुरू हुआ। अब मैंने कही है कि दो दो कैरेक्टर्स आप क्या करना, स्किप करते रहना, तो देखो 1, 2 यानी कि अब AD3 प्रिंट होकर आया, तो देखो हमने आंसर में देखा AD3 आया, फिर 1 और फिर 2, ये पूरी की पूरी लिस्ट अपने आप में एक कैरेक्टर है, तो इसका ध्यान रखना 1, 2, तो 1 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, फिर 1, 2 तो यहाँ पे 3.4 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, पर हम सिर्फ 1 से 9 तक ही जा सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़े, सिर्फ 1 से 9 तक यानी कि 1 से लेकर 8 तक ही चीजें प्रिंट होकर आई। तो इस तरह से जो हमारी स्लाइसिंग है वो काम करती है। अब ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव स्लाइसिंग, और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टॉप करना है और कितना आपको जंप करना है, ये चीजें हमने देख ली। पर मान लो अगर मुझे नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है तो वो मैं किस तरह से करूंगी, तो मान लो मेरी लिस्ट है ए, अब ए में मुझे क्या करना है, नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, तो मान लो मैं -6 से लेकर के कहां तक जाना चाहती हूँ, -6 से -2 तक जाना चाहती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं इसे रिटर्न करूंगी तो देखो -6 कहाँ से आया होगा, पीछे से शुरू होगा -1, -2, -3, -4, -5 यानी कि और -6 यानी कि ये हमारा -6 में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम कहाँ तक गए, -2 तक, तो यानी कि -6, -5, -4, -3, -2 तो यहाँ तक हम, अरे एक मिनट मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो हम -2 तक गए, तो -2 में यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, देखो हमने जाना तो था, देखो अगर -6, -5, -4, -3, -2 है ना, पर हम -2 तक नहीं गए, क्यों, क्योंकि हम -1 जो है एक वैल्यू कम तक जाते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या गए, सिर्फ 3.4 तक ही जा पाए। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हो, और सिमिलर आप नेगेटिव स्लाइसिंग में भी क्या कर सकते हो, कुछ कुछ चीजों को जंप करके आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ये जो स्लाइसिंग है वो काम करती है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने इंटरेक्टिव मोड को छोड़ करके एक बार अपने स्क्रिप्ट मोड का भी यूज कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सके, जो अपनी लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करना सीख सके। तो क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को एक बार ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट डालता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करने वाले, तो फटाफट से लिख लेते हैं।
फॉर लूप और वाइल्ड लूप, इन दोनों लूप्स का हम यूज करते ताकि हम क्या कर सके, अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे अपने फॉर लूप का, और फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे अपने वाइल्ड लूप का। तो फॉर लूप सबसे पहले यूज करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाता है ताकि हम क्या कर सके, फॉर लूप का ढंग से यूज कर पाए। तो मान लो मैंने क्या करा, एक लिस्ट नाम की एक और लिस्ट नहीं मान लो एल नाम की मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई एल इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के बाद अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगी। तो देखो मेरी एक लिस्ट है एल नाम की, उसके अंदर मैंने अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद मैं क्या चाहूंगी, मान लो फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर आई एन हमारे लिस्ट का नाम क्या है, एल है, फॉर आई एन एल मैं क्या करना चाहूंगी, प्रिंट करा लूंगी। किसको प्रिंट करा लूंगी, अपने जो आई के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उन सबको। सो प्रिंट आई। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इस मॉड्यूल को रन करके देख लेना है, जो भी मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है उससे पहले ये सेव होगा। सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना फाइल का नाम देना पड़ेगा। मान लो हमारा चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 से मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब रन होकर आया तो देखो हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या आ गए, रन होकर आ गए। जो पहला एलिमेंट था वो आई के अंदर आया होगा A2, फिर ASD, फिर 12, फिर 87.09, फिर -56, और फिर जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है ASD #2। तो ये हमारा पूरा का पूरा इस तरह से प्रिंट होकर आया। पर अगर मान लो कि जैसे अभी ये क्या हमारा वर्टिकल फॉर्म में आया, अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंड करूंगी हर एक को विद अ स्पेस। तो मुझे उसे एंड करना पड़ेगा, सो एंड इक्वल्स टू मैं चाहती हूँ एक स्पेस के साथ उसे एंड करना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मॉड्यूल रन हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या होगा, इस तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमें देखने को मिले। तो ये तो था हमारा फॉर लूप, कि किस तरह से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो और यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके जो एलिमेंट्स आपने एंटर कराए उन सबको आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर लूप का एक दूसरा मेथड भी है जिसका आप यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, पहले लेंथ कैलकुलेट करोगे और फिर रेंज लगा करके, फॉर लूप में हम रेंज का भी यूज करते हैं। तो इसमें आपने क्या किया, पहले आई के अंदर सारे कैरेक्टर सेव कराए। ये मेथड मेरे को सबसे अच्छा लगता है, इसलिए पर्सनली मुझे तो यही पसंद है, इसलिए मैंने ये आपको पहले दिखाया। पर आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो उससे डरने वाली बात नहीं है कि शायद कुछ बदल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका आंसर सेम ही देखने को मिलेगा। सो फॉर आई इन रेंज, रेंज हम कहां से कहां तक के देंगे, हमें पता है कि रेंज हमारी हमेशा -1 यानी कि एक वैल्यू कम तक ही चलती है। तो रेंज हमें कहां से देनी पड़ेगी, रेंज हम देंगे हमारी 0 से लेकर के, अब देखो हम 0 से तो दे रहे हैं, पर अब देखो 0 से आप लास्ट तक भी दे सकते हो, या अगर आप सिर्फ लास्ट रेंज दोगे तो उतना भी चलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आपकी लेंथ है, आपकी लिस्ट की जो लेंथ है वो हमारी 1 से शुरू होती है, तो आपकी रेंज उसमें कवर हो जाएगी। तो देखो जो हमारी लेंथ है हमारी किसकी, लिस्ट की, लिस्ट का नाम क्या है एल, या आप यहाँ पे इस तरह से कवर कर सकते हो। सो फॉर आई इन रेंज, लेंथ ऑफ अपने लिस्ट का नाम आपने यहाँ पे लिखा, फिर क्या करोगे, कॉलन लगाओगे, नीचे आ जाओगे। अब आप क्या करना चाहोगे, प्रिंट कर दोगे, प्रिंट आई, एक मिनट, प्रिंट क्या करोगे, आप ना आई को प्रिंट करोगे, आपने यहाँ पे किया। अब देखो दोनों तरीके हैं, तो आप दोनों मेथड्स को मैं एक बार आपको यूज करके दिखा रही हूँ, आप उन्हें यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम इसके कहते हैं रन करते हैं मॉड्यूल को, सेव हो जाएगा, रन होगा। अब देखो अगर आप देखोगे, अच्छा चलो देखो इसी के बहाने आपको एक दूसरी चीज भी सीखने को मिली। जो मेरा पहला तरीका था उसमें आपने क्या किया, आई के अंदर सारे जो एल के जो भी कैरेक्टर्स थे वो सारे आते गए, सारे एलिमेंट्स आए गए, लेकिन दूसरे वाले मेथड्स में 1 2 3 4 5 लिख कर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ ऑफ एल और फिर उसने लेंथ ही कैलकुलेट करके लिख दी। मुझे आई की लेंथ को कैलकुलेट नहीं कराना था, मुझे यहाँ पे उसके कैरेक्टर्स लिखने थे। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उस वो किसके अंदर सेव है, वो तो मेरे लिस्ट के अंदर सेव है ना, तो मुझे अपनी लिस्ट का नाम भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता। तो अब मैंने इसे क्या कर दिया, यानी कि प्रिंट क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है कि फॉर आई इन रेंज, जो लेंथ तक की रेंज है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये हमारी रेंज है। यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो मैंने यहाँ पे काउंट होके लिख जाएगी, है ना। अब रेंज हमारी कहाँ तक काम करती है, -1 तक। तो 6 अगर मेरी लेंथ है तो हमारी रेंज 5 तक ही चलेगी, तो 0 से 5 तक फिर वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। देखो 0 1 2 3 4 5, देखा 6 लेंथ है तो 5 तक वो ऑटोमेटिकली चलेगी। अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे और है, हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेंथ के अंदर जो आई है उसको मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसे रन कर लेते हैं, मॉड्यूल को रन करेंगे, सेव हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो देखो अब आप यहाँ पे देखोगे तो पहला आपका जो मतलब कह सकते हैं कि ये देखो A2 AS ये आपका सारा प्रिंट करा गया, और उसके बाद दोबारा से आपका A2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद दोबारा से ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई, प्रिंट होकर आई। तो इस तरह से आप दोनों मेथड्स यूज कर सकते हो फॉर लूप के लिए, आप किसी से भी आप क्या कर सकते हो आंसर को जनरेट कर सकते हो। अब फॉर लूप तो हमने समझ लिया, एक बार आप क्या
करता है, जो वाइल लूप है उसका यूज करके देख लेते हैं कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो मान लो, अरे एक मिनट, हाँ लिस्ट को रहने देते हैं, फॉर वाली चीजों को हटा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। तो लिस्ट के अंदर तो मैंने एलिमेंट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब मान लो आई के अंदर फिलहाल क्या है, सारे कैरेक्टर जीरो हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या है, फिलहाल जीरो। वाइल का यूज करते हैं, मैं कहने वाली थी फाइल का यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं जब तक हमारा वाइल आई इज स्मॉलर देन, एक मिनट, वाइल आई इज स्मॉलर देन किससे छोटा हो, लेंथ से छोटा हो। किसकी लेंथ से, हमारे जो लिस्ट है उसकी लेंथ से। जब तक हमारा आई क्या हो, छोटा हो, जब तक हम क्या करेंगे, एक मिनट, कॉलर लगाएंगे और उसे प्रिंट कराते रहेंगे कि क्या प्रिंट होता रहे, प्रिंट होता रहे हमारा जो आई है वो, क्योंकि आई के अंदर सारे जो हमारे वैल्यूज है वो आते रहेंगे। तो आई जो है वो हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर के कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एल हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसे स्क्वायर, एक मिनट, इसे हम क्या करेंगे इस तरह से इसके अंदर सेव करा लेंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अभी हमने यहाँ पे लिख लिया कि हम क्या चाहते हैं कि जब तक हमारा आई छोटा हो लेंथ ऑफ एल से, लेंथ क्या है सिक्स है, तो एक बार आई जीरो होगा फिर ट्रू हो जाएगी कंडीशन, प्रिंट हो जाएगा, फिर वन होगा, वन भी छोटा है सिक्स से, ट्रू होती रहेगी कंडीशन जब तक ये प्रिंट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको प्रिंट कराते रहेंगे। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू एक करके बढ़ती रहे। फिलहाल आई जीरो है, फिर जीरो के बाद मैं चाहूंगी कि वन हो जाए, फिर टू हो जाए, फिर थ्री हो जाए। तो आई के लिए हम क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू वन, इसका मतलब होगा कि आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट कराऊंगी, अच्छा प्रिंट तो मैंने करा लिया, सॉरी इसको मैं रन करूंगी, मॉड्यूल को रन करेंगे, सेव हो जाएगा। तो अब देखो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। आई होप आपको समझ में आया किस तरह से आप फॉर लूप और किस तरह से आप वाइल लूप का यूज कर सकते हो। तो अब देखो, अगर हम बात करें तो मेरा जो कह सकते हैं कि दोबारा से मेरे को ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखना पड़ा, क्योंकि बीच में गाने वाने चलने लगे थे इसलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा और ये मैंने आपको रन करके दिखाया कि आप किस तरह से वाइल लूप को यूज करोगे। तो अब यहाँ पे हमने देखो क्या किया, हमने फॉर लूप एज वेल एज वाइल लूप, यानी कि जो एक लिस्ट को जो हम ट्रैवर्स करते हैं दो तरीकों से, फॉर लूप के थ्रू और वाइल लूप के थ्रू, हमने वो दोनों तरीके यहाँ पे यूज करके देख लेंगे किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारे लिस्ट के जो मेथड्स हैं, यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे, उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, ना तो हम ट्रैवर्स करने वाले हैं ना फॉर और वाइल का यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बिल्ट इन मेथड्स का, यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उस मेथड का हम यूज करेंगे। तो फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्ट इन फंक्शंस लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो लिस्ट है उसमें जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी हमारे पाइथन के अंदर है, उनका हम क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं। तो यहाँ अपने इंटरेक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो देखो, अब अगर मैं बात करूँ तो जो कॉमन हमने यूज कर भी लिया है वो तो हमारा लेंथ वाला, कि हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसकी लेंथ को हम काउंट करते हैं। मान लो मैंने लिस्ट वन नाम से एक लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल टू, लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी सेव करा सकती। मान लो मैंने पहले 12 एंटर करा दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ए एंटर कराया, फिर उसके बाद मैंने 34.12568 मैंने एंटर करा लिया, फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करा सकती हूँ, 67 ऐड करा लिया, फिर उसके बाद चाहूँ तो स्ट्रिंग में मैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे सकती हूँ, है ना, और क्या कर सकती हूँ, चाहूँ तो एक और नेस्टेड लिस्ट बना सकती हूँ। तो एक और लिस्ट क्रिएट कर लेता है, मान लो इसमें मैंने क्या सेव करा लिया, इसमें लिख लिया मैंने एप्पल, ये मैंने इसके अंदर लिख लिया और लिस्ट को क्लोज कर दिया, और अब अपनी लिस्ट को ये पूरा क्लोज कर लेता। तो ये मैंने क्या करी, एक लिस्ट बनाई। अब मान लो मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये तो हम यूज कर चुके हैं, तो इसलिए एक बार इसे फटाफट से करके दिखा देती हूँ कि लेंथ, आप लेंथ लिखोगे और फिर जो आपकी लिस्ट का नाम है वो आप लिखोगे। लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन। तो आपको पूरा नाम सही लिखना पड़ेगा, लेटर्स भी एकदम सही डालने पड़ेंगे, पाइथन केस सेंसिटिव है। रिटर्न करोगे तो देखो आप क्या देखने को मिला, कि आपके लिस्ट की लेंथ क्या है, सिक्स। तो ये इस तरह से लिखकर आया। दूसरा, अगर हम बात करें हमारे जो बाकी जो बिल्ट इन फंक्शन है उसमें से सबसे वाला जो कॉमन है या सबसे फेमस जो है, जो टीचर्स हमसे कभी कभी वाइवा के दौरान पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझसे भी मेरे टाइम पे पूछा गया था, तो वो हमारा कि एम्प्टी लिस्ट किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। कि मान लो कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, कोई भी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगी। तो उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी लिस्ट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ उसके आगे बस लिस्ट लिख दो। मान लो जैसे मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट टू में एक बना रही हूँ, जिसको मैं अभी उसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं डालना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ लिस्ट डाल के यहाँ पे इसे एंड कर दूंगी, और देखो एक एम्प्टी लिस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी लिस्ट टू और रिटर्न किया, तो देखो यहाँ पे यानी कि मैंने लिस्ट टू को किसके बराबर किया, पहले मैंने वैल्यू दी कि लिस्ट टू हमारे लिस्ट के बराबर है,
तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, लिस्ट टू को यहाँ प्रिंट कराऊंगी। तो मैंने सिर्फ लिस्ट टू लिखा तो एट द एंड हमें क्या प्रिंट होकर मिला, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होकर मिल गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाऊँ जिसका नाम है लिस्ट थ्री, इस नाम से मैं एक लिस्ट बनाऊँ लिस्ट थ्री। अब एक मिनट, लिस्ट थ्री से जैसे मैंने अभी आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दिखाई, मैं आपको इसका दूसरा एक तरीका दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में भी दे रखा है। कि मान लो एक स्ट्रिंग है, अगर मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, कोटेशन देते हैं। तो मान लो मैंने इसके अंदर क्या करा दिया, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे मैंने सेव करा लिया। अपने स्ट्रिंग को क्या किया, मैंने क्लोज किया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या फिलहाल क्या किया, एक वैल्यू को सेव किया। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है ना वो एक लिस्ट बन जाए। तो मान लो कि एक मैंने लिस्ट थ्री नाम की एक लिस्ट बनाई जिसको मैं कैसा देखना चाहती हूँ, एज अ लिस्ट देखना चाहती हूँ। तो लिस्ट थ्री के अंदर मैं किसको सेव कराऊंगी, अपनी स्ट्रिंग को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, मैंने लिस्ट का यूज किया है, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज किया। देखो यहाँ पे जब हमने यूज किया था लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट, तो वो खाली थी, इसलिए क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई। लिस्ट थ्री में इस बार मैं क्या दे रही हूँ, एस टी आर वैल्यू यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी लिस्ट थ्री है, एल आई एस टी लिस्ट थ्री, इसको प्रिंट करा लूंगी। तो देखो इसके अंदर के जितने भी वर्ड्स थे, जितने जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे, वो सारे क्या हो गए, स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होकर आ गए। तो देखो किस तरह से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप क्या करना चाहोगे, एक स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग लोगे जो आपके पास है या आपको यूजर ने इनपुट कराई है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, तो अपने लिस्ट का नाम लिख दो। कि मान लो आपको एल नाम में सेव करानी है, ए नाम के अंदर सेव करानी है, मतलब अपने वेरिएबल का नाम लिख दो। तो मेरी लिस्ट का नाम है लिस्ट थ्री, इसके अंदर मैंने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया कि मैं चाहती हूँ लिस्ट बन जाए। मैं किसको लिस्ट बनाना चाहती हूँ, जो एस टी आर मेरी जो स्ट्रिंग है उसको मैं लिस्ट बनाना चाहती हूँ, और लास्ट में प्रिंट करा लेंगे लिस्ट थ्री को। तो देखो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। तो आपको समझ में आया किस तरह से हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट बना सकते हैं। तो ये तो काफी आसान था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की, सॉरी अपने नेक्स्ट फंक्शन की, तो हमने देखा कि हाँ लेंथ किस तरह से काम कर रही है, एम्प्टी लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है, या मैं किसी और को लिस्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मान लो कि इस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ अपेंड कराना है या कुछ ऐड कराना है, तो मैं क्या करूंगी, अपेंड का यूज करूंगी। अपेंड क्या होता है, अपेंड हमारा एक फंक्शन है जो क्या करेगा, हमारे लिस्ट के एंड में जो भी हम ऐड कराना चाहते हैं वो हमारे लिए ऐड करके दे देगा। मान लो यहाँ पे अगर मैं क्या कराऊँ, सबसे पहले प्रिंट कराऊँ अपनी जो मेरी लिस्ट वन है, एक बार उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ। एक मिनट, प्रिंट कराने की क्या जरूरत है, सीधा लिस्ट वन लिख सकते हैं। लिस्ट वन को मैं यहाँ पे क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ। देखो प्रिंट स्टेटमेंट आपने जो हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें यूज करता है, इंटरेक्टिव मोड में तो ऐसे ही काम चलता है। देखो लिस्ट वन को मैंने यहाँ पे लिखा, तो लिस्ट वन हमें सामने देखने को मिल गई। अब मैं चाहती हूँ कि इसके एंड में मैं ना 50 ऐड कर दूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि लास्ट में 50 भी लिखा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, मैंने इसी को रिटर्न कर दिया। थोड़ी सी बेवकूफ टाइप की गलतियां कर देती हूँ कभी कभी। देखो जैसे मैंने यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि लास्ट में क्या हो जाए, 50 ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो जिस लिस्ट में मैं ऐड कराना चाहती हूँ, तो लिस्ट वन उसका नाम लिखूंगी डॉट। मैं क्या कराना चाहती हूँ, अपेंड कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जैसे देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला ये अपेंड लिखकर आ गया, तो लिस्ट वन डॉट अपेंड। क्या अपेंड कराना चाहती हूँ वो भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलो जो देखो मैं यहाँ पे 50 ऐड कराना चाहती हूँ, तो लिस्ट वन डॉट अपेंड 50, ये मैंने रिटर्न किया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी लिस्ट वन को प्रिंट करा दूंगी। तो लिस्ट वन मैंने लिखा और ये यहाँ पे देखो एट द एंड 50 प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि हमारी लिस्ट म्यूटेबल है। तो अब हमारी लिस्ट वन क्या बन चुकी है, यही हमारी ओरिजिनल लिस्ट वन है। अगर आप लिस्ट वन को प्रिंट करोगे तो आपको एट द एंड 50 भी देखने को मिलेगा। तो आइए आपको समझ में आया किस तरह से ये जो चीजें हैं वो काम करती हैं, किस तरह से आप अपेंड कर सकते हो किसी भी चीज को। जैसे मैंने इसे अपेंड किया, बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते तो यहाँ पे 50 ना अपेंड करके अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, मान लो आप कोई नई लिस्ट ऐड करना चाहते हो जिसमें आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू इस तरह से आपने दे दी, फिर उसमें आपने देखो 70 भी ऐड कर दिया, उसमें मान लो आपने -098.56 ऐड कर दिया, और बस आप चाहते हो कि हाँ ये लिस्ट मेरी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अब देखो मैं इसे रिटर्न करूंगी, और लिस्ट वन को अब अगर मैं क्या करूंगी, रिटर्न करूंगी, तो देखो मेरी एक और लिस्ट जिसमें मैंने नई वैल्यूज अपेंड करी है, पहले 50 अपेंड करा था, अब लास्ट में कुछ और भी अपेंड कर लिया, तो वो हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। अपेंड जो भी हम करता है वो हमेशा एट द एंड ही प्रिंट होकर मिलता है। फिर चाहे हम लिस्ट, अगर लिस्ट अपेंड करेंगे तो लिस्ट अपेंड होकर आएगी, कोई नंबर ऐड करेंगे तो नंबर आएगा, कोई स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो कोई स्ट्रिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो हमारी लिस्ट है उसमें हम अपेंड करते हैं। इसी तरह से एक्सटेंड होता है, इसी तरह से इंसर्ट होता है। एक्सटेंड किस तरह से काम करता है, देखो लिस्ट वन डॉट, एक मिनट, लिस्ट वन डॉट, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ, EXTEND। अब मैंने लिस्ट वन में क्या करना चाहती हूँ, मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ। तो लिस्ट वन एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, कि मैं
उसको बढ़ाना चाह रही हूँ, उसके अंदर मैं किसी और को ऐड करना चाह रही हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाए। जैसे मान लो मेरे यहाँ पास यहाँ पे लिस्ट 3 है, लिस्ट 2 है, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग लिस्ट हैं, तो मान लो मैं लिस्ट 1 में, जो मेरी लिस्ट 1 ये है, अब जो ओरिजिनल लिस्ट 1 तो मेरी ये है, अब मैं इसमें एक्सटेंड कराना चाहती हूँ, मान लो किसको, मान लो मैं लिस्ट 2 को इसमें इसके साथ क्या करना चाहती हूँ, एक्सटेंड करना चाहती हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे एरर आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिया था, क्योंकि ये कोई फालतूगिरी थोड़ी है, हमें लिस्ट 2 को अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि लिस्ट 1 के साथ क्या एक्सटेंड हो जाए, लिस्ट 2 एक्सटेंड हो जाए। ओह शिट, मैंने उसको इरेज कर दिया और सिर्फ लिस्ट 1 डॉट को वो कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसे दोबारा से ठीक कर लेते हैं, रिटर्न करते हैं, एक मिनट बस। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, एट द एंड भी हम ये करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसे रिटर्न करेंगे। तो अब देखो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, मैंने ये लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिस्ट 1 के साथ एक्सटेंड करना चाहती हूँ लिस्ट 2 को, ये मैंने अपनी बात बता दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट 1 को यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दिया लिस्ट 2 के साथ। अब मैं प्रिंट कराऊंगी तो देखो लिस्ट 1 के साथ साथ क्या होगा, जो हमारी लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 क्या थी, हमारी एक एम्प्टी लिस्ट थी, ध्यान रखना इस चीज का, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 1 ही क्या हुई, एक्सटेंड होकर आई। अब मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट 2 को एक्सटेंड ना करके लिस्ट 3 को एक्सटेंड करती। अब देखो ध्यान से, लिस्ट 3 में हमारी एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट अपने आप में है, तो अब हम उसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट बस, ठीक है, अब मैंने इसे रिटर्न किया, अब मैं क्या करूंगी, लिस्ट 1 को मैं यहाँ पे दे लूंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी लिस्ट 1 जो थी, जो कि सिर्फ यहीं तक थी, और इसके बाद से हमारी लिस्ट 3 जो है वो यहाँ पे इसके साथ एक्सटेंड होकर आ गई। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया होता, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता लिस्ट 3 और यहाँ पे लिखा होता लिस्ट 1 और अब क्या किया होता, इसे रिटर्न किया होता, अब तो अब हम क्या लिखते हैं, लिस्ट 3 लिखते। क्यों, क्योंकि लिस्ट 3 के साथ मैंने लिस्ट 1 को एक्सटेंड किया है। अब देखो अब मैं क्या करूंगी, इसे रिटर्न करूंगी, तो पहले लिस्ट 3 आएगी और फिर उसके बाद जो हमारी लिस्ट 1 है वो एक्सटेंड होकर आई। तो आई होप समझ में आया होगा, देखो यहाँ पे आपको लिस्ट 3 जो 1 है वो भी आपको एक्सटेंड होकर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका एक्सटेंड है, अपेंड है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अब अगर हम फटाफट से किसकी बात करें, अगर हम इंसर्ट की बात करें कि इंसर्ट किस तरह से काम करता है, तो इंसर्ट का भी वही काम है कि क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो भी आप अपने लिस्ट के अंदर डालना चाहते हो वो यहाँ पे इंसर्ट करके दे देगा। पर मान लो जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 लिखिया मैंने, ठीक है, अब मेरी जो लिस्ट 1 है इसमें मैं कुछ इंसर्ट कराना चाहती हूँ, अंदर डालना चाहती हूँ, तो अपेंड का क्या था, उसका फिक्स था कि मैं लास्ट में ही ऐड करूंगा। पर इंसर्ट क्या है, इंसर्ट अलग है, इंसर्ट का ऐसा है कि आपको कौन से इंडेक्स वैल्यू पे कुछ भी जो नंबर है आपका, जो आपका एलिमेंट है, वो कहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो, फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, या लास्ट इंडेक्स वैल्यू पर, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने लिस्ट 1 डॉट मैं क्या चाहती हूँ, इंसर्ट लिखना चाहती हूँ, तो इंसर्ट मैंने लिखा। इसके बाद इंसर्ट मुझे कहाँ पे करना है और कौन से किस चीज को करना है, मान लो मैं चाहती हूँ कि सेकंड नंबर पर क्या इंसर्ट हो जाए, यहाँ पे सेकंड नंबर में मान लो कि मैं टी को यहाँ पे ये कराना चाहती हूँ, ऐड कराना चाहती हूँ कि सेकंड नंबर पर क्या आ जाए, टी आ जाए। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया, रिटर्न किया, अब मैं क्या करूंगी, लिस्ट 1 को रिटर्न करूंगी। तो देखो अब 0 1 2 सेकंड पर क्या आ गया, टी आ गया, और ओरिजिनली क्या था, 0 1 2 2 पर यहाँ पे ओरिजिनली था 34.12568, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, सेकंड प्लेस पर इंसर्ट कर दिया टी को, तो इसलिए सेकंड प्लेस पर टी इंसर्ट हो गया और जो 34.12568 था वो थर्ड प्लेस पर चला गया, यानी कि बाकी सारी वैल्यूज एक एक करके पीछे चली गई। तो इस तरह से हमारा जो इंसर्ट है वो काम करता है। अगर मान लो यहीं पर मैंने क्या किया होता, सेकंड प्लेस पर ना इंसर्ट करके मैंने 8th प्लेस पर इंसर्ट किया होता, और अब मैं क्या करूँ, इसे रिटर्न कर दूं, तो अब देखो लिस्ट 1 को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो देखो अब हमारी 8th पोजीशन पर क्या आ गया, यहाँ पे टी प्रेजेंट हो गया होगा, देखो ये रहा हमारा टी। अब सेकंड प्लेस पर भी है, क्यों, क्योंकि जो हमारा लिस्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो इसलिए जो हमारी लिस्ट में जब मैंने इसे चेंज किया था तो सेकंड प्लेस पर जो टी था वो फिक्स हो गया, और 8th प्लेस पर भी टी अब मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। तो इस तरह से इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड क्या करते हैं, काम करते हैं। तो काफी बेसिक सी चीजें थी जो आपको फंक्शंस के साथ में समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारे 2-4 फंक्शन और हैं उन्हें भी एक बार जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो नेस्टेड लूप है उनको, सॉरी जो नेस्टेड लिस्ट है उनको किस तरह से यूज करते हैं फटाफट से उसे देखेंगे। अब वैसे तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, आपके पास मैक्सिमम है, मिनिमम है, उन सब का आप यूज कर सकते हो, आपको किस तरह से इंडेक्स वैल्यू चेक करनी है वो आप यूज कर सकते हो। अब काउंट अगर आपको करना है कि कोई चीज कितनी बार आ रही है,
तो सबका आप यूज कर सकते हो, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मान लो मैं लिस्ट वन में क्या करना चाहती हूँ, या लिस्ट वन में मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लिस्ट वन में मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी जो वैल्यू है उसको चेक करना चाहती हूँ। तो एक मिनट, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है, तो मान लो मैं मिनिमम चेक करना चाहती हूँ। मिनिमम किसका, लिस्ट, एक मिनट, लिस्ट वन का मैं मिनिमम क्या करना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ। अच्छा देखो, मेरी जो लिस्ट वन थी, अगर आपको शो करूँ तो यहाँ पे देखो मेरी लिस्ट वन के अंदर क्या है, 12A34.125680-67A2ED और एप्पल, ये मैंने अपनी लिस्ट वन के अंदर लिख रखा है। पर जब मैंने मिनिमम काउंट करने के लिए बोला, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ पे जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम है वो यहाँ पे स्ट्रिंग को और इंटीजर्स वैल्यू को इस तरह से काउंट नहीं कर सकता साथ में। वो कैसे बता सकता है कि स्ट्रिंग बड़ा है या कोई इंटीजर वैल्यू। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक लिस्ट यहाँ पे अपने लिए क्रिएट कर लेती हूँ। मान लो एल नाम की मैंने क्या करी, एक कैपिटल एल नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा, 12 एंटर कराया, 56 एंटर कराया, 78 एंटर कराया, 43 एंटर कराया, -90 एंटर कराया, फिर 67 एंटर कराया और लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मिनिमम वैल्यू पता चले किसकी, जो मेरी लिस्ट है उसकी। अब मैंने रिटर्न किया, देखो मेरे लिए मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -90। अब यही पर अगर मैंने क्या किया होता, यहाँ पे मिनिमम ना करके अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया होता, MAX लिया होता, और अब मैं इसे रिटर्न करूँ तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 78। तो इस तरह से हमारा मिनिमम मैक्सिमम और ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि बिल्ट इन फंक्शन किस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा जो फंक्शंस थे वो हो गए, क्योंकि अगर मैं सारे फंक्शन कराऊंगी तो आपको नेस्टेड लिस्ट और बाकी सारे टॉपिक्स कराने में दिक्कत हो जाएगी, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से क्या करते हैं, जो हमारे नेस्टेड लिस्ट है उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे और यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट का। तो यहाँ पे देखो हमने नेस्टेड लिस्ट लिख लिया है, और वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको नेस्टेड लिस्ट का बता चुकी हूँ आप किस तरह से लिस्ट बनाते हो। नेस्टेड लिस्ट को मैं बना के नहीं दिखा रही, सिर्फ आपको समझा देती हूँ। जैसे ये मेरी लिस्ट वन है, लिस्ट वन शुरू से ही अगर दिखाऊं, यहाँ पे देखो शुरू से अगर मैंने देखा कि लिस्ट वन है, ये एक लिस्ट का ब्रैकेट है, लिस्ट को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मैंने उसके अंदर वैल्यूज एंटर कराई। अब ध्यान से देखो कि मैंने वैल्यूज एंटर कराने के बाद दोबारा एक लिस्ट का ब्रैकेट बनाया और उसको क्लोज कर दिया। तो देखो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या किया, कैपिटल एल नाम की एक लिस्ट बनाई या एल नाम की एक लिस्ट बनाई, एल इक्वल्स टू मैंने लिस्ट के लिए ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। अब क्या किया, 23 पास किया, फिर माइनस का 95 मैंने पास किया, फिर उसके बाद 3.14 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। फिर एक और लिस्ट के लिए मैंने दोबारा सिंबल लगाया और इसमें क्या मान लो मैंने इसमें लिखा एड, कॉमा लगाया और फिर क्या लिखा मैंने, सब्ट्रैक्ट के लिए सब, फिर कॉमा लगाया और फिर मान लो कॉमा नहीं लगाया, फिर मैंने लिस्ट को ही क्लोज कर दिया। फिर कॉमा लगाया, मैंने डाला 56, फिर क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा मान लो कैपिटल ए मैंने यहाँ पे लिख लिया और अपने लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो अब जब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, किसको प्रिंट कराएंगे, अपनी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट एल। अच्छा रन हो कैसे, कैपिटल एल थोड़ी है, हमारी लिस्ट का नाम तो स्मॉल एल है। अब क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, रन करेंगे अपने मॉड्यूल को, सेव हो जाएगा। जैसे ही हमने रन किया तो देखो हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। तो देखो आपको दिखेगा कि लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक और लिस्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। तो ये हमने फटाफट से अपना टॉपिक कवर कर लिया। अब अगर बात करें कि हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि एक से जैसे एक लिस्ट है उसको अगर मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो उसके भी हमारे पास तरीके होते हैं कि आप कॉपी किस तरह से कर सकते हो। देखो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है, सबसे आसान तरीका, लिस्ट वन, एक मिनट, जैसे मान लो मेरी लिस्ट वन है, इसको बराबर कर दो लिस्ट टू के, यानी कि अब लिस्ट वन के अंदर जो भी जाएगा वो लिस्ट टू के अंदर भी जाएगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट वन और लिस्ट टू आपस में क्या है, बराबर है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा, पर मान लो इससे पहले मैं क्या लिख रही हूँ कि लिस्ट वन, एक मिनट, लिस्ट वन हमारी किसके बराबर है, लिस्ट वन हमारी बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरी क्या है, ये मेरी लिस्ट वन है, और दूसरे में मैंने लिख दिया कि लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट टू, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, एक बार मैं प्रिंट कराती हूँ, किसको, एक बार मैं प्रिंट कराती हूँ अपनी लिस्ट वन को, लिस्ट वन को, और फिर दूसरी बार क्या करूंगी, दूसरी बार प्रिंट करा लूंगी अपने किसको, लिस्ट टू को। क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो हमारा आउटपुट सेम नहीं आना चाहिए, पर अगर ये दोनों सेम हुए तो हमारा आउटपुट सेम आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, लिस्ट वन और लिस्ट टू मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए क्या करते हैं इसे लिस्ट लिख लेते हैं, लिस्ट ए कर लेते हैं इसे, और इसको भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिस्ट ए, अदरवाइज हमें एक एरर देखने को मिल जाएगी, और इसे लिस्ट बी कर लेते हैं। तो हम इसे कर लेंगे ए, और नीचे वाले को क्या कर लेंगे, एक मिनट बस, नीचे वाले को, अरे
नीचे वाले को कर लेंगे क्या, नीचे वाले को कर लेंगे बी। अब क्या, अच्छा एक मिनट, रन करने से पहले यहाँ पे तो हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया ही नहीं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती। लिस्ट ए इक्वल्स टू दिस। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी मैंने यहाँ पे देखा कि लिस्ट ए इसके बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट बी को लिस्ट ए के बराबर करूंगी, ना कि लिस्ट ए को लिस्ट बी के। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ए इज इक्वल्स टू दिस, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लिस्ट बी लिस्ट ए के बराबर है। अब मैं क्या करूंगी, अपने मॉड्यूल को फटाफट से रन करूंगी, ये सेव हो जाएगा। जैसे ही मैंने रन किया तो देखो लिस्ट बी हमारी प्रिंट होकर आ गई, लिस्ट ए भी हमारी प्रिंट होकर आ गई। तो मुझे क्या देखने को मिला कि ये दोनों सेम है, इसलिए तो सेम प्रिंट होकर आया ना, अदरवाइज सेम क्यों आती। तो इस तरह से हमारी जो कॉपी करने का एक तरीका है वो काम करता है कि हम दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर कर दे, ताकि दोनों में जो भी चीज मैं किसी एक में भी एंटर कराऊं तो वो कॉपी कैसे हो जाए कि दोनों बराबर है तो दोनों सेम सेम ही रहेंगी। तो ये तो हमारा मतलब एक तरीका हो गया कि आपने दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया। तो ये किया तरीका हो गया। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ से हटाऊं, अब आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बुक का एक मेथड दे रखा है, मान लो आपने क्या किया, एक न्यू लिस्ट बनाई, न्यू लिस्ट आपकी न्यू लिस्ट है, और आपने क्या किया, न्यू लिस्ट को बराबर रख दिया किसके, आपकी ओल्ड लिस्ट के। ये हमने यहाँ पे लिखा न्यू लिस्ट इज इक्वल टू ओल्ड लिस्ट। उसके बाद क्या करोगे, लिस्ट का साइन लगाओगे, कौन लगाओगे, लिस्ट लगाओगे, एंटर करोगे। उसके बाद आपने क्या किया, आपकी जो लिस्ट वन है और जो लिस्ट टू है, यानी कि आपकी जो न्यू लिस्ट है और जो ओल्ड लिस्ट है, उन दोनों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा सिर्फ एक तरीका है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ L1 नाम की, L1 इक्वल्स टू मैं क्या करूंगी, L2 के इक्वल कर दूंगी, और फिर लिस्ट है तो इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया L1 इक्वल्स टू L2, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी L1 है उसकी वैल्यू तो मुझे देनी पड़ेगी ना, या L2 के किसी की भी आप वैल्यू दे दो, जिसकी भी वैल्यू दोगे उसको आपको दूसरे वाले के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे L1 इक्वल्स टू L2 है, या इसे यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, देखो एक मिनट बस, इसे एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो L1 इक्वल्स टू, इसमें आप अपनी वैल्यू दे दो, आपने इसमें लिख दिया 1, 2, 3, इतना ही, चलो लिखते हैं 1, 2, 3। ये मैंने लिस्ट को कर दिया क्लोज। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि लिस्ट 2 बराबर है लिस्ट 1 के, ये चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये हमने लिखा, रिटर्न करेंगे तो मैं क्या करना चाहूंगी, हमें प्रिंट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि लिस्ट 2 बराबर है, तो इसलिए मैं L2 को यहाँ पे कराना चाहूंगी, प्रिंट कराना चाहूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि L1 तो इसके बराबर है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि यार L2 भी इसके बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल को रन करेंगे, सेव हो जाएगा। जैसे ही रन किया तो देखो मुझे देखने को मिला 1, 2, 3 आंसर में, तो यानी कि हाँ L1 और L2 आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से आपके दो मेथड भी दे रखे हैं जिनका हम यूज कर सकते हो, सेम यही तरीका है, उसको आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, यानी कि आपकी लिस्ट जो है वो दोनों में सेम रहेगी, जो पहली लिस्ट है वो भी और जो दूसरी लिस्ट है वो भी। तो इसलिए अब ये तो काफी आसान था, ये हमने कंप्लीट किया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स जो है उनको देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो लिस्ट है वो किस तरह से काम करती है, उसके प्रोग्राम किस तरह से हम लिस्ट में उसका यूज कर सकते हैं, कि दो चार प्रोग्राम जो है अपनी लिस्ट के यूज करके देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरह से लिस्ट के जो प्रोग्राम है वो काम कर रहे हैं। तो फटाफट से लिस्ट के प्रोग्राम लिखने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा एवरेज निकालने का, कि हमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स का या मार्क्स आपको दे देंगे, पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको मिल जाता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है, कि आपको मतलब कुछ भी इसमें आपको एवरेज निकालने के दे सकता है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के मार्क्स ही, ऐसा हो सकता है कि एवरेज हाइट क्या है लोगों की, इस तरह से आप क्लास के स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स हैं उनकी एवरेज हाइट निकाल सकते हो। तो एवरेज किस तरह से निकालनी है इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो जब भी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। हमने देखा होगा कि आपके जो फंक्शन मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको फंक्शंस को डिफाइन करना सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, डेफ करेंगे, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने जो कह सकते हैं कि एवरेज हमें निकालना था, इसलिए कंप्यूट एवरेज का हम यूज करेंगे। सो CUMPUTE कंप्यूट क्या कर रहे हैं, कंप्यूट एवरेज निकालेंगे, तो इसलिए एवरेज लिख देंगे। अब आपको याद एक चीज और भी अच्छे से याद रखें, AVE और AGE, मैंने फटाफट से लिख लिया। तो देखो जो भी आप क्या करोगे, जब आप एवरेज एवरेज या कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। तो पैरामीटर में क्या पास करोगे, एक तो आपकी लिस्ट पास करोगे कि आपकी जो लिस्ट वन है या लिस्ट टू है, जो भी है आपकी लिस्ट, वो आप पास करोगे। साथ ही साथ में आप जो नंबर्स जिनका आप एवरेज निकालोगे, मान लो आपकी लिस्ट में अगर आपने 6-7 बच्चों के अपने उनमें मार्क्स दे दिए, तो उन 6-7 बच्चों का नंबर जो है, यानी कि 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा, तो कितने बच्चों के आपको एवरेज निकालना है, तो वो आपने एन यहाँ पे पास किया, कॉलन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने क्या किया, डेफ के साथ पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम है हमारा कंप्यूट एवरेज, पैरामीटर क्या है हमारा, लिस्ट और एन। अब फिलहाल के टाइम पर हमारा जो टोटल है वो अभी टोटल क्या हमारा, 0 के बराबर है, क्योंकि अभी तो हमारा टोटल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी हमने कुछ निकाला है ना कुछ भी, तो अभी क्या हमारा टोटल 0। सो फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर मार्क्स इन लिस्ट, हमारे लिस्ट के अंदर क्या होंगे, हमारे मार्क्स होंगे। सो फॉर मार्क्स इन
लिस्ट हमने लिखा, अब जो हमारी लिस्ट है अपने लिस्ट का ही नाम लिखना है फॉर मार्क्स एंड लिस्ट। हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स किस तरह से निकालेंगे, टोटल होता है हमारा टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स, तो उसे लिखने का तरीका क्या है, टोटल इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू मार्क्स लिख लेते हैं यहाँ पे एम ए आर के एस। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स, यानी कि टोटल आप ऐड किस तरह से करते हो, जो भी आपको टोटल फिलहाल टोटल क्या है जीरो, फिर आपका पहला मार्क्स क्या देंगे, मान लो 20 में से 15 आ गए तो जीरो प्लस 15 फिर उसके बाद 15 प्लस दूसरे आपके मार्क्स आए वो क्या हो जाएंगे आपके, मान लो दूसरे के भी 15 ही है तो टोटल फिलहाल क्या हो गया हमारा 15 के बराबर हो गया, तो 15 प्लस 15 30, तो इज इक्वल, इसी तरह से आप क्या करोगे टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स, तो इस तरह से आपने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के बाद हमें निकालनी है एवरेज, तो एवरेज हम अलग से निकालेंगे, तो एवरेज क्या होगी ए वी ई आर ए जी ई फटाफट से लिख लेते हैं, एवरेज क्या होगी हमारी, एवरेज किसके बराबर होती है, ऑब्वियसली बात है जो हमारे टोटल मार्क्स हैं उसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे, तो वो हमारी एवरेज के बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा साफ सुथरा दिखाने के लिए स्पेस दे लेते हैं, ठीक है। तो टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी एवरेज इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल बाय एन, यानी कि टोटल जो आपका मार्क्स जो ऐड होकर आएंगे उनको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, उसके बाद आप क्या रिटर्न करो, उसके बाद आप रिटर्न करो अपने एवरेज को। तो ये हम लिख लेते हैं, ये हमने लिखा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट, एक मिनट, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट को क्रिएट करना है, तो लिस्ट क्रिएट करेंगे। फिलहाल हमारी लिस्ट क्या है, अभी हमने उस, एक मिनट, इक्वल्स टू को साइन लगाना पड़ेगा, सो इक्वल्स टू, अभी फिलहाल हमारी लिस्ट क्या है, उसके अंदर मैंने कुछ भी एंटर नहीं करवाया है, सो लिस्ट इक्वल्स टू अभी तो मेरी एम्प्टी ही है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी। क्या प्रिंट कराएंगे, जो प्रिंट कराएंगे सो फटाफट से हम लिख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करा लिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स डू यू वांट टू एंटर, यानी कि आप कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो आप एंटर कराना चाहोगे, तो वो आप किसके अंदर सेव कराओगे, एन इक्वल्स टू इनपुट के अंदर सेव कराओगे, एन इक्वल्स टू, अब बच्चे पे हमारे इंटीजर वैल्यू ही होंगे ना, तो इंट, और आप क्या करा लोगे, इनपुट करा लोगे, इनपुट मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर, एंटर लिख दिया मैंने, एक मिनट बस स्पेस देते हैं ये और ये, ठीक है, और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। सो एन इज इक्वल टू जितने भी नंबर का, अच्छा इनपुट की स्पेलिंग गलत हो गई, इनपुट लिखना है अब, ठीक है। तो आप देखो जितने भी नंबर्स का आप क्या करोगे इनपुट लगो, मान लो दो स्टूडेंट, चार स्टूडेंट, पचास स्टूडेंट, तो वो आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग चलेगा, पहले एक बच्चे के मार्क्स ऐड होंगे, फिर दूसरे के ऐड होंगे, फिर तीसरे के ऐड होंगे, तो इस तरह से फॉर आई इन रेंज कहाँ से शुरू होगा हमारा, जीरो से, एक मिनट, फॉर आई इन रेंज शुरू कहाँ से होगा, जीरो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके एंड तक जाना चाहिए। तो अगर मैंने लिस्ट की एंड वैल्यू अगर मुझे चेक करनी है, तो हमें पता है रेंज हमेशा माइनस वन तक चलती है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, लिस्ट की लेंथ वैल्यू ले लूंगी, क्योंकि लेंथ हमारी हमेशा क्या होती है, एक नंबर आगे होती है। तो एन, या तो आप लेंथ ले लो या फिर आप एन ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एन है वो हम यूजर से इनपुट कराएंगे, तो वो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे चलेगा, तो जीरो से लेके एन तक हम इसे चलाएंगे। आगे फॉर आई इन रेंज हमने चला दिया, फिर क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं फटाफट से। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिया, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आई प्लस वन इक्वल्स टू, और फिर लास्ट में कॉलन, यानी कि मैंने क्या किया, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको भी आप मार्क्स देना चाहते हो, तो उनके मार्क्स को आप क्या करो एंटर कराते जाओ, और उसके बाद आई प्लस वन, क्योंकि हमारी सारी रेंज किसके अंदर आ रही है, रेंज हमारी आई के अंदर सेव हो रही है, तो फिर एक एक करके आप क्या करते जाओ, अलग अलग स्टूडेंट है उनके लिए, जैसे आपके पहले जो जीरो इंडेक्स पे बच्चा आएगा उसके लिए मार्क्स एंटर करो, फिर आई प्लस वन यानी कि जो दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा, इस तरह से हम क्या करते रहेंगे, रेंज चलाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मार्क्स हैं हमारे, तो इसे लिख लेते हैं मार्क्स इक्वल्स टू, वो क्या होंगे, इंटीजर वैल्यू ही होंगी, तो फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे फ्लोट वैल्यू भी हो सकते हैं, पर हम इंट लेके चल रहे हैं। इनपुट कराएंगे, इसको हमने क्या करा लिया, इनपुट करा लिया, एक मिनट बस, इनपुट ये हो गया, अरे मैंने दो बार वो क्यों कर दिया, चलो हाँ दो बार ही तो करना है। मार्क्स इज इक्वल टू मैंने क्या किया, एंट इनपुट मैंने यहाँ पे एंटर कराया। इसके बाद मैं क्या करूंगी, लिस्ट के साथ में जो मार्क्स है ना अपेंड करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है पहले एक बच्चे का आया होगा, फिर दूसरे बच्चे के मार्क्स आएंगे, फिर तीसरे बच्चे के मार्क्स आएंगे, फिर चौथे बच्चे के मार्क्स आएंगे, तो इस तरह से हमारे लिस्ट के अंदर मार्क्स आते रहेंगे, तो मार्क्स लिस्ट के एंड में आते रहे, तो एंड में एड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं। अभी अभी हमने देखा था हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है लिस्ट डॉट हम क्या करेंगे अपेंड का यूज करेंगे, सो ए डबल पी ई एन डी, अरे ए डबल पी ई एन डी, लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड क्या करना चाहते हैं हम, मार्क्स को अपेंड करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा साइड हो जाता है, क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, तो अपने फंक्शन को कॉल करने का टाइम आ गया, सो एवरेज हमने यहाँ पे निकाला, एवरेज इक्वल्स टू अभी क्या करेंगे कंप्यूट एवरेज, यानी कि अपने जो हमारा हमारा फंक्शन का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूट एवरेज। इसके बाद हम क्या करेंगे पैरामीटर्स भी पास करेंगे, सो लिस्ट
कॉमा एंड हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल कर लिया, बहुत बढ़िया जी। अब प्रिंट करा लेते हैं, क्या प्रिंट कराते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करा लिया, एवरेज मार्क्स इज एवरेज, तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डिफाइन किया फंक्शन को, उसे हमने लिस्ट और अपने लिस्ट को पैरामीटर के टाइप में दिया, और फिर हमने एन नंबर्स हमने पैरामीटर्स में दिए। फिलहाल टोटल हमारा क्या है, जीरो। फिर जो हमारे मार्क्स हैं वो हम क्या चाहते हैं, लिस्ट के अंदर सेव, जो लिस्ट के अंदर जो मार्क्स हैं उनको हम चलाना चाहते हैं। तो टोटल किस तरह से ऐड होगा, टोटल प्लस मार्क्स को हम करेंगे। तो एवरेज क्या होता है, जो आपके टोटल मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, और फिर रिटर्न करो एवरेज को। फिलहाल लिस्ट क्या है, एम्प्टी। हम यूजर से क्या करा रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर कराना है वो यूजर से हम ले लेंगे। एन नंबर ऑफ इनपुट हो जाएगा, फिर जो हमारे यूजर के जो मार्क्स हैं वो एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मार्क्स को हम इनपुट करेंगे, तो मार्क्स एक एक करके क्या होते जाएंगे, लिस्ट के अंदर अपेंड होते जाएंगे। पहले मार्क्स, फिर दूसरे मार्क्स, फिर तीसरे मार्क्स, इस तरह से अपेंड होते जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एवरेज को हम कंप्यूट करेंगे, यानी कि जो हमने फंक्शन है उसको कॉल किया, फिर हमारा एवरेज यहाँ पे निकल कर आएगा। फंक्शन को फटाफट से रन कर लेते हैं, सेव हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्या करते हैं, पहले बच्चे के एंड पर करेंगे, मान लो पहले वाले को उस बार हमने पास करा दिया, मतलब पहले वाले को पास नहीं किया, 12 बच्चे के मार्क्स हमें चाहिए। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक नेम एरर देखने को मिली कि कंप्यूट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिख दी है, तो इसे फटाफट से ठीक करते हैं। CUMPUTE कंप्यूट एवरेज। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, एक बार इसे दोबारा से क्या कर लेते हैं, रन करते हैं मॉड्यूल को। यहाँ पे सेव हो गया, रन हो जाएगा। इस बार मैं सिर्फ 4 बच्चों की ही एवरेज निकालना चाहती हूँ। पहले के आए हैं 12, दूसरे वाले के आए हैं 15, फिर तीसरे वाले के आए हैं 18, और चौथे वाले के आए हैं 20 में से 20। रिटर्न किया तो एवरेज मार्क्स हमारे क्या निकल गया है, एवरेज मार्क्स निकल के आ गया 16.25। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली रन कर सकते हो। मान लो मैं दोबारा से रन करती हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ 2 बच्चों का एवरेज यहाँ पे, इस बार मैं सिर्फ 2 बच्चों का एवरेज यहाँ पे देना चाहती हूँ। मान लो पहले वाले के आए हैं 12 छोड़ो, पहले वाले के आए हैं 19, और दूसरे वाले के आए हैं मान लो 17। अब मैं एवरेज निकालूंगी तो दोनों का एवरेज क्या आ गया, दोनों का एवरेज यहाँ पे मुझे देखने को मिला 18.0। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अच्छे से डिफाइन कर लिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन जो था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसे अच्छे से समझा दिया। तो आई होप आपको जो प्रोग्राम था वो अच्छे से समझ में आया, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको मैंने जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।